हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं चिकन चंगेजी की रेसिपी, तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चंगेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, और अब इसको हम मैरिनेशन करेंगे। धोकर अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये दो प्याज है और 10 से 12 काजू है। काजू और प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। चिकन चंगेजी के मसाले के लिए मैंने यहाँ पर नमक लिया है, और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने दही लिया हुआ है गाढ़ा, ये दोनों रेसिपी में भी यूज़ होगा और मैरिनेशन के लिए भी यूज़ होगा। और ये है दो टोमेटो, इसकी मैंने प्यूरी बनाकर ली हुई है, और ये थोड़ा सा दूध है मैंने लिया है। यहाँ पर आप क्रीम भी ले सकते हैं। चाट मसाला आधा चम्मच और आधा चम्मच कसूरी मेथी है। यहाँ पर मैरिनेशन के लिए मैंने नींबू का जूस लिया है, एक नींबू का जूस है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ पर, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ पर एक चम्मच के करीब। इससे हम मैरिनेशन करेंगे। और थोड़ी सी मैंने दूध की मलाई ली, अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो यहाँ पर आप क्रीम भी ले सकते हो। तो देखिए, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें चिकन चंगेजी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन करेंगे तो ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो चिकन में ऐड करेंगे, और उसको हाथों से रब करके अच्छे से इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे पाउडर मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। तो ये एक नींबू का जूस है, इसे ऐड करना है थोड़ा खटास के लिए। और ये देखिए, ये जो है ये दही है, और दही भी खट्टा ही होना चाहिए, तो बोटियों में बहुत टेस्ट आ जाता है अच्छे से। तो थोड़ा खट्टा दही लीजिएगा, और ये 50 ग्राम के करीब दही है, और उसको ऐड करके हाथों से अच्छे से रब करना है, अच्छे से बोटियों पे लगा लेना है। तो ये अब लगा के हो गया, तो मैं आपको फ्रिज में रख लेती हूँ आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होते ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये प्याज है हमारे 2, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, और ये प्याज को फ्राई पहले करना है क्योंकि प्याज की कुकिंग बहुत स्लो होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद ही हम काजू ऐड करेंगे, और काजू के साथ इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है, हल्का सा ही रखना है गुलाबी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्याज और काजू लाल जैसा हो गया, हल्का सा गुलाबी। तो मैं इसको निकाल ली हूँ, और इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट है पूरा चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं ठंडा होने के बाद। काजू डालने से चिकन चंगेजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। फिर से वही पैन में रख दिया है, उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल गर्म होते ही चिकन की जो बोटियाँ हैं जिससे हमें मैरिनेशन करने के लिए फ्रिज में रखा था, उसको हमें फ्राई करना है उल्टा पलटा कर। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम टू लो रखना है, ताकि ये बोटियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाए। और देखिए, हल्का हल्का फ्राई होने लगा है ये, तो उसको इस तरह से फ्राई कर लेना, और चिकन की बोटी अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आधा या एक घंटे के लिए भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम तक ये रहेगी बोटियाँ उतना ही बोटियों में टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर मसालों का। तो देखिए, हल्का हल्का ये फ्राई हो रहा है, तो मैं इसको उल्टा पलटा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरे घर में बहुत बनाई जाती है, और मैं हमेशा इसी तरह से इसे बनाती हूँ, और सभी को बहुत पसंद आती है हमारे घर वालों को। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी, और ये झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। खाली इतना है कि मैरिनेशन के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो पहले से अगर हम मैरिनेशन करके रखेंगे ना, तो ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है।
तो मैंने सारी चिकन की बोटियों को निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैंने 2 चम्मच तेल और ऐड कर दिया है। अब मसाला बनाना है चिकन चंगेजी का। तो यहाँ पर पाउडर मसाले हैं सारे और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि इसकी जो स्मेल है जाने के लिए 2 मिनट हमें इसको फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर भी मीडियम टू लो ही है, उसे हल्के हल्के से हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर दो मैंने जो टोमेटो ली थी उसकी जो प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे। इसका जो पानी है वो हमें पूरा रिलीज़ करना है, अच्छे से इसको भूनना है। साथ ही साथ हम पाउडर मसाले भी डाल देंगे, उसे भी हम भूनेंगे। भूनने के बाद में इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। इसके अंदर पाउडर मसाले में जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है वो ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। जो ये मसाला है इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। और उसके बाद में देखिए, अच्छे से भुनने के बाद में जब ये ऑयल रिलीज़ करेगा ये मसाला, और यहाँ पर काजू और जो ऑनियन का पेस्ट है उसे ऐड करके उसे भी अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। काजू का पेस्ट डालने के बाद में फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिलाइएगा, क्योंकि जो काजू का पेस्ट है तल में लग जाता है। मसाले अच्छे से भुनेंगे तो फ्लेवर बढ़ जाता है। तो आप पहले से इस तरह से इसको मैरिनेशन करके फ्रिज में रखिएगा, इसके बाद ये फटाफट से बन जाती है रेसिपी, और आपके मेहमान को भी पसंद आएगी, इतनी अच्छी और इतनी डिलीशियस बनती है। इसे राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा दूध लिया हुआ था, अगर आपको यहाँ पर दूध नहीं लेना है तो आप क्रीम का इस्तेमाल करें। और ये दूध को जो अच्छे से थोड़ा भूनना है और उसको थोड़ा सुखाना है भूनकर, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से हल्के हाथों से इसको भूनते रहना है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद चिकन की जो बोटियाँ हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो ऐड करेंगे, और इसके साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे। मसालों में बहुत अच्छा फ्लेवर बढ़ जाता है जब हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, जिस पॉट में हमने ये जो मसाला ग्राइंड किया हुआ था काजू का, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से बोटियों का जो फ्लेवर है वो मसालों में अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमने बोटियों को फ्राई किया हुआ है। इसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर रखेंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा जो मसाला है अच्छे से पक गया है। इसी तरह से इसका ऑयल ऊपर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो कसूरी मेथी हमने ली हुई थी उसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसको हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो इसका जो कसूरी मेथी डालने के बाद में इसका फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने घर की जो मलाई थी वही यूज़ की है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। क्रीम डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर बढ़ जाता है, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। पहले तो हमने यहाँ पर दूध डाला हुआ था, अब मैंने यहाँ पर मलाई भी ऐड कर दी है। तो आप दोनों टाइम पे क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। क्रीम अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। फ्रेंड्स, यहाँ पर चाट मसाला डाला हुआ है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है चाट मसाला तो मत डालिएगा, ऐसी भी ये डिश बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर डाल रहे हैं तो 2 मिनट के लिए इसके ढककर रखिएगा, ताकि इसका जो फ्लेवर है चाट मसाले का अच्छे से मसाले में आ जाए। 2 मिनट के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। अगर आपको पतला करना है तो हल्का सा इसमें पानी ऐड करके आप इसको पतला कर सकते हैं। और ये जब गाढ़ी होती है ग्रेवी तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपन नान के साथ में, रोटी के साथ में, पराठों के साथ में, या पाव के साथ में आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने के लिए। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ।
क्योंकि रेसिपी बहुत डिलीशियस बनती है और बनने में भी बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से इसको बनाते हैं और झटपट बन जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और किस तरह से आपने इसे बनाया, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसको गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जिसे आपको हरा धनिया डालना है हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से कुकम्बर के पीसेस और मैं ग्रीन चिली यहाँ पर गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, है ना ये अमेजिंग रेसिपी, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।